معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि खैर और आफियत से होंगे। आप सब ने एक हदीस सुनी होगी, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन की निस्बत अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। चलिए जी, मैंने यहाँ पर आपके सामने हदीस तो रखी लेकिन उसका रेफरेंस भी मैं यहाँ पर देता चलूँ। ताकतवर अच्छा ठीक है, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक मेरे ख्याल से ये वाली होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, तो यह हदीस यहाँ पर हमारे सामने, ये हम यहाँ से लिसन करते हैं। ठीक है। इसके बहुत सारे मफहूम निकाले जाते हैं, जिसमें से एक ये है कि ताकत से मुराद यहाँ पर आपकी फिजिकल हेल्थ है। आप जिस्मानी तौर पर ताकतवर हों ताकि आप बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं इस्लाम के अंदर जिसके अंदर आप सफ में आगे रह सकें। जिहाद हो गया, बहुत सी ऐसे मामलात हैं जिसमें आप आगे रह सकें। इसीलिए जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत महबूब है। बुढ़ापे के अंदर तो सभी इबादत करते हैं, जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी महबूब है। यही कुछ चीज़ें जो कि इस हदीस को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। वहीं इस हदीस का एक और मफहूम भी लिया जाता है, जो कि है कि आप ज़हनी तौर पर इतने मजबूत और इतने ताकतवर होने चाहिए हो कि आप चीज़ों को समझ सको, उन्हें हज़म कर सको। आप किसी भी चीज़ को अपने इल्म की बिहाफ पर जज करते हो और अपने इल्म की ही बिहाफ पर आप कोई फैसला लेते हैं। तो जब आप कम इल्म होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों में गलत फैसले भी ले जाते हैं और बहुत सी चीज़ों को समझ भी नहीं पाते। तो यहाँ पर इसीलिए जो सेकंड मुराद ली जाती है इस हदीस से, वो ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इल्म व फरागत के ऊपर आप काम करें। तो कैसे बढ़ेगी, अब ये फिजिकल हेल्थ तो चलें आप अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू, डाइट्स के थ्रू आप मेंटेन कर लेंगे, लेकिन अपने जहन को कैसे मजबूत किया जाए, ऐसी इंटेलेक्चुअल बातों को कैसे हजम किया जाए जो कि शायद आपसे बहुत आगे की हैं। तो अपने आप को ऐसा ट्रेन करने के लिए, अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करने के लिए ज़रूरत है कि आप उन लोगों की बात सुने जो कि आपसे इल्म और फहम में आगे हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल आपसे ज़्यादा है। तो उनकी बातों को समझें और थोड़ा थोड़ा करके उन्हें हजम करने की कोशिश करें। तो अभी मैं यहाँ पर, मैंने खुला हुआ था साहिल अदीम की पॉडकास्ट लेकिन लाइट चली गई है तो पॉडकास्ट हमारी अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई है, लेकिन मैं आपको पॉडकास्ट का लिंक दे दूंगा, आप ये पॉडकास्ट देखें इनकी। और पॉडकास्ट देखने के साथ साथ इंशाल्लाह मैं कहता हूँ आपके इंटेलेक्चुअल में बहुत इजाफा होगा। और समझ अगर ना आए तो वीडियो को पॉज कर करके देखें, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है ये समझ लें कि इनकी पूरी ज़िंदगी का क्रक्स है जो कि यह सामने रख रहे हैं। तो कुछ सेकेंड्स के अंदर ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि जिसमें पूरी ज़िंदगी का विजडम छुपा हुआ होता है। तो वीडियो को पॉज कर करके अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसको सर्च करें, डीपली उसको पढ़ें, उसके बाद इस पॉडकास्ट को देखें। हो सकता है कुछ दिन ही लग जाए इस पॉडकास्ट को देखने में, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिफरेंस है ना। तो जब ये पॉडकास्ट आपकी ख़त्म होगी तो आपका माइंड इंशाल्लाह इतना मजबूत हो चुका होगा कि आप चीज़ों को समझ सकेंगे। एक चीज़, पॉडकास्ट वगैरह को सुनते हुए अपना इल्म बढ़ाते हुए अपना इल्म बीच में ना लाइएगा। पहले सब सुन लें
डाइजेस्ट कर लें, उसके बाद फिर अपने इल्म के बिहाफ पर दोनों को कंपेयर कीजिएगा। चलें जी, इसी के साथ हम चीनों की थोड़ी सी आउटिंग भी करा देते हैं। जी आउटिंग करनी है बाबा। हाँ जी क्या कर रहे हो? अच्छा चलो कोई नहीं, आप क्या देख रहे हो सर? आपको देख के हंसता है माशाल्लाह। अदन भी उठाइएगा इसे, गोद में आ रहे उठाए तो सही, गोदी जाओ। माशाल्लाह हेलो अम्मा अम्मा, बाबा भी आ गए, बाबा आ गए। हमारे साथ भाई अपनी बाइक पर जाते हैं, एहसान लेते ही नहीं है ये किसी का। ओके जी, तो इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, इंशाल्लाह जबरजल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। जब तक आप अपना अपने अहलो आयाल का खूब ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, और अपने इंटेलेक्चुअल को सुस्त ना पड़ने दीजिएगा।